पंडाल नंबर तीन, तीन नंबर पंडाल यानी इस तरफ वाले पंडाल से संदीप नाम की अर्जी आई है। संदीप सफेद शर्ट नहीं, तुम बैठो। एक हाफ शर्ट वाले संदीप हैं क्या? हाफ सी शर्ट पहने संदीप नाम है। आ जाना, आ जाना। हाँ हाँ हाँ, यही है। आनंद वहां आगे एलईडी के बीच में सामने बैठे थे। है रोते थोड़ी, हट तहीं तो काट तो के हमें ना उसे बुला लियो। हमने बुला लो, झक से ओढ़ गो, आ जाओ ऊपर। बस 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 बस, खुश रहे जा। बोले बालाजी सरकार की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। उठ बैठो, उठ बैठो, इधर आओ, इधर आओ, इधर। रोते थोड़ी हैं। अरे तो रोते थोड़ी हैं। बालाजी सब कर, बालाजी सब बुला। अरे अरे पागल नहीं, तुम आ गए नाम सहित आ गए। आ जाओ बैठ जाओ। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। विश्वास नहीं था, इसे कहते हैं अति से ज्यादा वो होता ना, वो क्या बोलते हैं, गदगदता। इसने कभी ऐसा कभी होगा ऐसे ही हो। बोलो सीताराम। बस शांति शांति। जय जय सियाराम। शांति। कहाँ के हो? इंदौर से, इंदौर बिचोली। इंदौर में ही रहते? जी। आओ नजदीक, बोलो क्या बात। प्रभु सर मस्याएं इतनी हैं कि क्या क्या बताएं, बस आशीर्वाद दें कि प्रभु राम के चरणों में ध्यान लगा रहे। बस समस्या बहुत है जीवन में। कौन सी हर जगह समस्या में? मैं तो ये सोचा क्या क्या समस्या गिनाऊं आपको, क्या क्या गिनाऊं? कुछ तो गिनाई दो ताकि सभी समस्या, पैसा, घर, बाहर, सभी जगह, सभी जगह। कोई बात नहीं। कोई मूल समस्या है महाराज? सभी मूल समस्या है, आर्थिक, घर, सब। आपका मन अशांत रहता, सभी काम रुक गए हैं, स्थान नहीं है, मकान नहीं है, एवं घर पर कृपा होगी, कलेश भी बनता जहां अभी रहते हैं। दूसरा स्थान करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, जिसके चक्कर में है, काम धाम स्थिर नहीं हुआ आज तक, मन में तनाव बनता है, भक्ति भी करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। मन शांत होगा, आर्थिक उन्नति होगी, लोग साथ नहीं देते, धोखा दे जाते हैं, परिवार में आपस में भी उपद्रव मचा है, जो धाम की कृपा से सामंजस्य बन जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। बोले हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय सियाराम। हमें 7 तांबे के सिक्का चाहिए। ले आऊंगा। ठीक है जी। आर्थिक विकास हो जाए है, बागेश्वर बालाजी कृपा कर रहे हैं, घर में सामंजस्य बनो रहे है, बुद्धि तुम्हारी ठीक रहे है, स्थाई बिजनेस योग बन जाए है, बालाजी की दया बनी रहे है, खूब भक्ति करो, सन्यासी बाबा की खूब कृपा बनी रहे है। आप रोज जो है 5 पाठ हनुमान चालीसा के करना शुरू कर दो, 1 हनुमान चालीसा का हवन शुरू कर दो। तुम्हारी अर्जी सिर्फ इसीलिए लगाई कि जौन रोड़ा तुम्हारे पितर बने हुए हैं, वो आज से रोड़ा जानते हो, रुकावट, रोड़ा का मतलब रुकावट, आज ही से वे रोड़ा रुकावट तुम्हारे दूर होने लग हैं, आज ही से 4 चांद लगन लग हैं, और तुम कहते के कापतो लाखन की भीड़ है, हमें बुला पाऊ के नहीं बुला पाऊता, कापतो हम मिल पावी के ना मिल पावी, लौट के कहूँ हमें जा नहीं पाने को दरबार में। मैं काम पे जा रहा था लेकिन मुझको ऑटोमेटिक खींचा हुआ कि तू चल, मैं काम पे जा रहा था, मैंने कहा अब अपनी कथा हो गई, कल दरबार देख लिया, आज काम पे चले, लेकिन ये खींचा हुआ कि नहीं तू चल, मैं आ नहीं रहा था, लेकिन मुझे खिंचाव हुआ है कि तू चल दरबार में। खींचने वाले ने बुला लिया और बुलाने वाले ने नाम लिया। ये ईमानदारी की बात है, इंदौर की जनता ईमानदारी की बात है। मैंने भैया ये अपनी 3 दिन कथा कर ली है, ठीक है,
और एक दिन दरबार भी देख लिया है, आज शाम को कथा में आएंगे, आज काम पे चलते हैं। लेकिन ऐसा मन में खिंचा हुआ कि नहीं संदीप तू दरबार में चल। मैंने कहा चलो चमत्कार सबके लिए होगा, सबको भभूति मिलेगी, अपने को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। बाकी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि संदीप तू आ जाएगा, बाबा के शरण में आ जाएगा, तो ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी मुझे। जाओ बागेश्वर बालाजी ने कृपा कर दी, एक मंत्र है उसको वहाँ पर भभूति वहाँ से ले लो, कवच हम तुम्हें धाम पे देंगे जब पधारोगे। बस 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 मोबाइल गिर गया आपका। बेटा खुश रहो, खूब काम करो, खूब आगे बढ़ो बेटा।